टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकंड क्लास ऑन जीएसटी। और ये भी देखो मैं जनरल एनटीसी सिखाया था लास्ट क्लास में जीएसटी की कैसे कैलकुलेशन करते हैं, और यहां आपको मैं कंप्लीट सम कराऊंगा। देखो जब जीएसटी की बात करते हैं तो मैंने हमेशा कहा है कुछ चीजों पे छोड़कर जीएसटी गुड्स और सर्विसेज पे चार्ज होता है। अगर विद इन द सिटी रहते हैं तो सीजीएसटी एंड एससीएसटी, और अगर आउटसाइड जाते हैं स्टेट तो आईजीएसटी। क्वेश्चन में देखो क्या है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अज्यूमिंग ऑल ट्रांजैक्शन चार्ज्ड विद जीएसटी, जहां पे सीजीएसटी एंड एससीएसटी के दोनों परसेंट आपको दिए हुए हैं। सम करना क्या है, देखो पहला ट्रांजैक्शन क्या है, परचेस गुड्स फॉर रुपीज 5 लाख फ्रॉम मेहता एंड ब्रदर्स। अगर सोचो जीएसटी ना हो तो कोई भी स्टूडेंट क्या बोलेगा, सर यहाँ एक वर्ड आप लेंगे परचेस को, क्योंकि गुड्स की जगह पे वो यूज होता है, और एक क्या होगा मेहता ब्रदर्स को। जब हम गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स के प्राइस के साथ हमको टैक्स भी भरना पड़ता है, और कंज्यूमर सोचता है उस वक्त तक कि वो खर्चा है, मींस एक्सपेंसेस है। लेकिन मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू जो इनपुट होते हैं वो आपके एसेट्स होते हैं, जो आउटपुट होती है वो आपकी लायबिलिटीज होती है। क्यों, उसको मैं फिर डिस्कस करूंगा। अभी जो जनरल आप बनाने जा रहे हैं वो है परचेजेस अकाउंट डेबिट, सर ये तो लिखना ही है, टू मेहता ब्रदर्स। परचेज मींस गुड्स इन, डेबिट मेहता ब्रदर्स, गिवर है क्रेडिट। सर 5 लाख के गुड्स थे, अब आप इनपुट सीजीएसटी चार्ज करेंगे, ठीक है, और इनपुट एसजीएसटी, क्लियर है। डेबिट क्यों है पता है, 9% के हिसाब से अगर हम करें तो 45,000, अगेन 45,000, टोटल होगा 590। ये था आपका एक कंप्लीट जनरल ऑन जीएसटी। तो मैंने हमेशा कहा है जब परचेज करेंगे तो इनपुट, क्योंकि हम गुड्स खरीदते हैं इसीलिए इन होता है, इसीलिए वर्ड इनपुट है। जब सेल करेंगे गुड्स बाहर जा रहा है आउटपुट, इसीलिए हम लोग आउटपुट यूज करते हैं। इनपुट हमेशा डेबिट है क्योंकि फॉर अस इनपुट इज एन एसेट, आउटपुट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज ए लाइबिलिटी क्योंकि वो हमारे क्रेडिट है, क्योंकि हमारे लिए लाइबिलिटी है। इनपुट हमेशा डेबिट होते हैं, आउटपुट हमेशा क्रेडिट होता है। दो ट्रांजैक्शन मैंने पहले भी कहा था, जब रिटर्न का एंट्री होगा तो इनपुट क्रेडिट हो जाएगा, और जब सेल्स रिटर्न होगा तो इनपुट डेबिट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और ट्रांजैक्शंस मैंने लास्ट वीडियो में कहे थे जहां पे इनपुट क्रेडिट हो जाता है कुछ स्पेशल केसेस में। सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 1 लाख टू मुंजाल एंड कंपनी, तो सर हम क्या लिखेंगे, मुंजाल एंड कंपनी डेबिट, बिकॉज हम गुड्स दे रहे हैं, गुड्स आउट हो रहा है, मुंजाल एंड कंपनी रिसीवर है, डेबिट। टू सेल्स लिखेंगे, और क्योंकि लायबिलिटी है हमारे लिए आउटपुट, क्योंकि ये जीएसटी पे अधिकार हमारा नहीं गवर्नमेंट का होता है, तो जो भी हम टैक्स कलेक्ट करते हैं इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे ऑफ द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। तो 1 लाख के हमने गुड्स बेचे, 9% अगर हम चार्ज करें तो 72 हो रहा है, 72 दोनों तरफ, टोटल हो गया सर 9,44,000 का। तो बिल बनेगा 9,44,000, हम 8 लाख रखेंगे, बाकी दोनों पार्ट गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। थर्ड आता है पेड फॉर एडवर्टीजमेंट। अब आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, आपके लिए एक्सपेंसेस है, तो फॉर अस एडवर्टीजमेंट इज एन एक्सपेंसेस, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा है तो सर डेबिट होगा। बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक भी होगा। पेपर एडवर्टीजमेंट एक सर्विसेज है तो इस पे जीएसटी चार्ज होगा, दैट इज इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, क्लियर है। सर खर्चा कितने का था, 40,000 का, 9% कितना होता है सर, 3,600, टोटल होगा 47,200 का, क्लियर। मूव करते हैं फर्नीचर, परचेस्ड फर्नीचर, तो गुड्स के बदले परचेज आता है, लेकिन जब आप क्या खरीद रहे हैं स्पेसिफिकली बोल दिया जाए और ऑफिस के लिए खरीद रहे हैं तो फर्नीचर पर्सनल यूज हो जाता, तो ड्रॉइंग्स बन जाता है। तो यहाँ सर एक वर्ड तो हो गया फर्नीचर, हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो सर क्या लिखेंगे, टू बैंक, टू बैंक, क्योंकि चेक हमारा जा रहा है। अब यहां पे क्या लिखेंगे हम, इनपुट सीजीएसटी, और यहां लिखेंगे इनपुट एसजीएसटी, ठीक है।
अब अमाउंट कैसे पुट अप करेंगे, यहां पर आएगा 59% 4500, 4500 टोटल 59,000। क्लियर? तो आप जब ये कुछ भी खरीदते हैं, कोई भी सर्विसेज गैदर करते हैं, ऑलवेज इनपुट, हमेशा क्या यूज करते हैं हम, इनपुट। और जब भी हम कोई सर्विस देंगे, मतलब इनकम आएगा या सामान बेचेंगे, फॉर अस इट्स एन आउटपुट। प्रिंटिंग के लिए देखो, आपने कैश पे किया, ऑब्वियसली प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज एन एक्सपेंस फॉर अस, तो कोई भी खर्चा जनरल में हमेशा क्या प्लेस लेता है, इट्स अ डेबिट, इट्स अ डेबिट। साथ में क्या आने वाला है, इनपुट सीजीएसटी, अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी, अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश। अमाउंट सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रिंटिंग सर है 8000, 9% मीन 720, 720 टोटल 94440। देखो ये 5 ट्रांजेक्शन मैंने किए, एक्सपेंस का भी आ गया, गुड्स बेचने का आ गया, गुड्स खरीदने का आ गया, एसेट का भी खरीदना आ गया। अब बात यहाँ पे हो रही है, पेमेंट आपको करना है बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी, ऑब्वियसली हम गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को सर कितना पे करेंगे, तो पहले उसका कैलकुलेशन सीखना बहुत जरूरी है किसी भी स्टूडेंट के लिए। सर हम जीएसटी कैसे पे निकालते हैं, हम लोग हमेशा निकालते हैं आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ठीक है ना, तो सिंपल है, ठीक है। हम जानते हैं आउटपुट हमेशा क्रेडिट है, इनपुट हमेशा डेबिट होता है, कुछ कुछ केसेस में कभी कभी आउटपुट डीआर होता है इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न, और इनपुट कभी कभी क्रेडिट होता है इन केस ऑफ परचेज रिटर्न, जब गुड्स आप चैरिटी में देते हैं, जब गुड्स आप फ्री में देते हैं, जब गुड्स प्रोप्राइटर विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए, या गुड्स लॉस्ट बाय फायर या लॉस्ट बाय थेफ्ट, मतलब जब जब परचेज क्रेडिट में आता है तो इनपुट भी क्रेडिट में आ जाते हैं। लेकिन चलो वो बात तो सही है, कि मेन जो थीम वो ये है। तो सबसे पहले सर हम आउटपुट दे लेते हैं, देखो मैं यहाँ पे डिटेल में चीज लिख देता हूँ। देखो आउटपुट हमेशा क्रेडिट होता है, अगर कहीं कहीं पे डेबिट हो जाए, जैसे सेल्स रिटर्न का केस अगर यहाँ पे होता, तो हमको आउटपुट कैसे निकालना है, क्रेडिट माइनस डेबिट करके, और इनपुट कैसे निकालना है, कहीं कहीं पर हो सकता है कि आपको परचेज रिटर्न दिख जाए या गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी दिख जाए, तब आपको डीआर माइनस सीआर कर लेना है इनपुट का। तो पहले फिगर्स ढूंढते हैं आउटपुट टैक्स का। देखो आउटपुट टैक्स इस 5 जर्नल में एक ही जगह पे है और वहां पे वो क्रेडिट है, आप देख रहे हैं 2 लिखा हुआ है, और जीएसटी सीजीएसटी में कोई एक आप निकाल लो, बाकी आपको निकालने की जरूरत नहीं है, कि दोनों का अमाउंट हमेशा इक्वल आता है। सोचो हम सीजीएसटी निकालते हैं, तो सीजीएसटी हमारा 72,000 है नेट फिगर और कुछ नहीं है। अब हम इनपुट की बात करते हैं, तो इनपुट टैक्स में अगर हम सीजीएसटी निकालते हैं तो सर क्या होगा, ध्यान दीजिए, इनपुट डेबिट कहाँ कहाँ है, यहाँ पर एक 45 है लिख लिया आपने, प्लस और डेबिट कहाँ है, यहाँ पे भी है 3600, यहाँ भी लिख लिया आपने, प्लस और कहाँ है सर, यहाँ पे भी है 4500, और कहाँ पर है 7720, ठीक है। आप इसका टोटल कर लो, तो 45,000 अगर टोटल करते हैं आप, देखो यहाँ पे टोटल आ रहा है आपका 45,600, 4,520। तो जो बैलेंस होता है वो आप गवर्नमेंट को देते हैं, दैट इज 18180 आप देंगे टू सेंट्रल गवर्नमेंट, और उतना ही देंगे आप स्टेट गवर्नमेंट। तो ये कैलकुलेशन तो आपको मैंने सिखाया, लेकिन आपको कैलकुलेशन करना नहीं है, अब आपको करना क्या है, कि एंट्री पास करनी है। तो एंट्री सर कैसे पास करेंगे, बड़े ध्यान से समझना, ये कैलकुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि आउटपुट का एक नेट फिगर आप ढूंढ लेना, क्योंकि आउटपुट होता हमेशा क्रेडिट है, कुछ कुछ जगह पे डीआर होगा, तो यहाँ एक नेट फिगर ढूंढ लेना आउटपुट का और इनपुट का। नेट फिगर्स ढूंढने के बाद इसका जर्नल बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। देखो मैं इसको रब करके लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसी का जर्नल करना क्या है सर, आउटपुट सर हमेशा क्रेडिट होता है, तो हम आउटपुट को डेबिट करेंगे। आप लिखोगे आउटपुट सीजीएसटी डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी डेबिट,
टू आप लिखोगे इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी और टू आप लिखेंगे बैंक। ये लिखने से आपका नेट बैलेंस आएगा। तो यहां आप लिखोगे 72 जो आपने कैलकुलेट किया, यहां लिखोगे 72 जो आपने कैलकुलेट किया, यहां लिखोगे 53,820, यहां भी लिखोगे 53,820। इनको जोड़ोगे, इनको माइनस करोगे तो नेट फिगर आपका आ जाएगा 53, आएगा 36,360। ये जो बैलेंस है ये पैसा आप क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो जब भी आपको बोलेगा पेमेंट करनी हो जीएसटी, तो आपको इस तरह से वर्किंग करके नेट फिगर ढूंढना है और फिर बैंक के थ्रू गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। दैट्स द लास्ट एंट्री इन दिस केस।